हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5D। इससे पहले की जो तीन एक्सरसाइज थी 5A, 5B, 5C और जो बेसिक कंसेप्ट था, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आई होप आप लोगों ने वो सारे देख लिए होंगे। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है कि द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकटा एंड अमेरिका आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। कैलकटा और अमेरिका, इन दोनों को आपको अरेंज करना है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट। अब जब आप कैलकटा वर्ड का अरेंजमेंट करते हो तो आपके पास 3, 3, 6, 2, 8 आठ लेटर है, लेकिन इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है। तो रिपीटेशन आपको जब दिया हुआ है, यहाँ पर एक तो सी रिपीट हो रहा है दो बार, तो 2 factorial आ गया। ए रिपीट हो रहा है, ये भी दो बार हो रहा है। टी रिपीट हो रहा है, ये भी दो बार हो रहा है, तो 2 factorial, 2 factorial ये इसका अरेंजमेंट आया। ठीक है, डिवाइडेड बाय अमेरिका में कितने आपके पास 3 और 4, 7 7 लेटर हैं, 7 यूज़ करने हैं आपको। इसमें रिपीटेशन ए का हो रहा है दो बार, और किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपके पास ये 8 factorial, नीचे 2 factorial, 2 factorial लिया जाएगा, और ये नीचे 7 factorial इधर आ गया। इसको भी आप ऐसे लिख लो 8 × 7 factorial, इससे ये कैंसिल, 4 × 2 = 8, तो रेशो बनेगी इसकी 2:1, तो ऑप्शन बना इसमें बी। उसके बाद कहते हैं द वे ऑफ द सिलेक्टिंग 4 letters फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो वर्ड है, इसमें से आपको 4 letters चूज करने हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए का एक ए रिपीट हो रहा है दो बार, तो मैं इसका ग्रुप बना के ऐसे लिख देता हूँ, और आई रिपीट हो रहा है दो बार, आई रिपीट हो गया दो बार। इसके अलावा यहाँ पर एन रिपीट हो रहा है, ये भी दो बार हो रहा है, कितने 6 तो ये हो गए, बाकी EXM, EXM, TO ये आपके पास लेटर है जो ये आ गए। अब इनमें से आपको कोई 4 letters चूज करने हैं, तो किस किस तरीके से आप चूज कर सकते हो। तो हम या तो ये कर सकते हैं कि हम इनमें से 3 जो ग्रुप बन रहे हैं, 3 में से कोई भी 2 ग्रुप ले लें तो 4 letters आ जाएंगे। चाहे AA ले लो, चाहे II ले लो, या II और NN ले लो, कैसे भी ले लो। तो हम 4 में से, मतलब इन 2 हमारे पास जो ग्रुप है, हम उसमें से चूज़ कर लेते हैं। अब इन 2 ग्रुप्स में से आप जब चूज़ करोगे तो आपके पास जो टोटल मिलाकर आपके पास 3 ग्रुप हैं, 3 में से कोई भी 2 ग्रुप हमें चूज़ कर लेने हैं। तो ये बन गया आपके पास 3C2। ऐसे हो सकता है कि 4 letters आपने चूज़ कर लिए, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने इन 3 ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप चूज़ कर लिया, तो वो तो हो गया आपके पास 3C1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आपके पास जब एक ग्रुप चूज़ करोगे तो 2 ही तो लेटर आपने चूज़ करे, चाहे वो ए हो, चाहे II हो, चाहे NN हो, 2 letters आपके पास आ गए। अब बाकी के आपको कितने लेटर और चाहिए, 2 letters और चाहिए। अब उन 2 letters को चूज़ करने के लिए या तो आप क्या करोगे, या तो इन 5 को लोगे, 5 में से मतलब कोई भी 2 ले लोगे, या इनमें से एक एक लोगे। सपोज़ मैंने पहला ग्रुप चूज़ कर लिया था, उसमें से 2 A मैंने लिख लिए। अब मैं यहाँ से दोनों ग्रुप को नहीं ले सकता हूँ, इकट्ठे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक अल्फ़ाबेट तो ले सकता हूँ। एक अल्फाबेट यहाँ से, एक अल्फाबेट यहाँ से, और 5 ये हो गए, नहीं 5 और 2 = 7। 7 में से हमें चूज़ कितने करने हैं, चूज़ हमें सिर्फ 2 ही करने हैं। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है कि हम इसमें से ग्रुप वालों को ले ही ना, हम यहाँ से एक अल्फाबेट ले, एक यहाँ से ले, एक यहाँ से ले, 3 ये हो गए और 5 ये हो गए, 8 alphabet हो गए। 8 में से कोई भी हम 2 चूज़ कर लेते हैं, 4 चूज़ कर लेते हैं, तो 8C4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अगर आप 3C2 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3, 3C1 को सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 3, और 7C2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21, और 8C4 को आप सॉल्व करोगे तो 8, 7, 6, 5, और नीचे आ जाएगा 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ से 3 × 2 = 6, तो ये कट गया, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 3 + 63, 5 × 2 = 10, और ये हो जाएगा 70। तो इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 136, तो 136 यानी सेकंड का ऑप्शन बनेगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में कहता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म विथ 12 consonants एंड द 5 vowels बाय टेकिंग 4 consonants एंड 3 vowels इन ईच वर्ड। 12 consonants है आपके पास, 12 में से आपको कंसोनेंट लेने हैं 4, तो 12C4 into 5 vowels हैं, 5 में से आपको लेने 3 vowels। अब ये तो आपने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन जब आप वर्ड्स बनाओगे तो वर्ड्स बनाने पर आपके पास 4 consonants, ये 3 vowels, यानी टोटल 7 letters आ गए, उन 7 को आपको अरेंज करना है, तो इन टू में 7 factorial।
तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, इसमें ये वाला मिसिंग है। 17C7 का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता, यही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इनको आप दोनों को सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 4950 आ जाएगा, इनटू में 7 फैक्टोरियल ये आ ही रहा है, तो थर्ड का ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी। फोर्थ में कहता है कि 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल। लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास, उसमें चार चार की सीट लगी हुई है। ठीक है, चार इधर हैं लोग, चार इधर हैं। टू पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड थ्री ऑन द अदर साइड। अब दो गेस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो एक तरफ बैठेंगे, और जो तीन गेस्ट हैं वो कहते हैं हम उसके अपोजिट बैठेंगे। तो मान लो ये जो चार आपके पास है, इन चार में से किसी भी प्लेस पर दो पर्टिकुलर गेस्ट बैठ गए। अब इन दो पर्टिकुलर गेस्ट को आप बिठाओगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो तो मैटर करता नहीं है। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर कि भाई चार प्लेस हैं आपके पास, चार में से कोई दो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये बन जाएगा कितना, 4P2। अब इनके साथ जो बाकी की जो चार सीट है उनके सामने जो बाकी के तीन लोग बैठेंगे वो आ गया। तो तीन और दो पाँच, पाँच लोगों की सिटिंग तो हो गई पक्की। अब रह गए कितने, तीन लोग और रह गए। अब उन तीन के पास ऑप्शन क्या है, तीन ही सीट बची है, तो 3P3। बस इसको सिंप्लीफाई करो, 4P2 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4P3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24, और 3P3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 से 72, 24 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 4 12 1728, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहता है कि क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है और हर एक का एक ऑल्टरनेट भी दिया है, यानी ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। तो एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के कितने चांसेज हैं। तो अगर मान लो वो 6 में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन भी है ऑल्टरनेट भी है, तो दो तरीके हो गए ना उसके पास, कि पहले वाला करेगा या दूसरे वाला करेगा, या फिर 6 में से कोई दो करता है। अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में उसे ऑप्शन मिल गए, पहले में भी दो दूसरे में भी दो, तो यानी 2 × 2 = 2, 4 आ गया। 6C3 करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्योंकि तीन क्वेश्चन में ऑप्शन मिल गए 2 × 2 × 2, फिर 6C4 तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 6C5 यहाँ पर आ जाएगा 32, और 6C6 इधर आ जाएगा 64। पावर हर बार 2-2 की एक बढ़ाते जाना। 6C1 को सॉल्व करेंगे तो 6 होता है, 6C2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15, 15 × 4 = 60 हो गया ये। 6C3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 20, 28 = 160। 6C4 और 6C2 बराबर होते हैं तो ये 15 आएगा, 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 × 6 = 90, 15 + 9 = 24। 6C5 हो गया 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 + 1 = 19, और 6C1 हो गया 1 × 64, ये आ गया। ये पहले वाला था 6 × 2, ये भी आ गया 12, इसको आप 12 लिख लो, उन सबको ऐड कर दो तो 2 और 2 = 4 और 4 = 8, 8 किसके लास्ट में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन बनना चाहिए, फिफ्थ का भी यही हमारा ऑप्शन है। बाकी टोटल करोगे आप 728 आ जाएगा। 51C31 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी देखो कॉम्बिनेशन में है, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना, कोई आइडेंटिटी लगानी है। तो हमें ये पता है कि जो NCR होता है ये NCN-R के बराबर होता है। तो अगर हम इसको N कंसिडर करते हैं, इसको R कंसिडर करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 51C31 की जो वैल्यू है यहाँ आ जाएगा 51C51-31, तो आ जाएगा 51C20। तो 51C20 यानी 6 का ऑप्शन बनेगा ए। 7th में कहता है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वोवल्स एंड कंसोनेंट अपीयर ऑल्टरनेट। वोवल्स और कंसोनेंट जो है वो ऑल्टरनेट पोजिशन पर आएंगे, यानी अगर हम ये मान के चलें कि जो वोवल्स हैं वो तीन वोवल्स हैं इसके अंदर, ए ए और यू,
लेकिन ए रिपीट हो रहा है। तो तीन वोवल्स अगर हम लेंगे, पहली मतलब ऑड पोजीशन पर हम ये ले लेते हैं, तो 3P3 या 3 factorial कर सकते हो, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है तो 2 factorial आ गया। इन टू में जो बाकी के 3 place हैं उसमें 3 consonant आ गए, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ऑड वाले ये वाले पहले भी आ सकते हैं, ये बाद में भी आ सकते हैं, तो इन टू में 2 और करना है। तो 2 factorial की वैल्यू 2 के बराबर ही होती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3P3 3 factorial होता है, 3 factorial होता है 6, ये भी हो जाएगा 6, आंसर आ गया 36। तो 7th का ऑप्शन बना सी। द नंबर्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स, कॉमर्स में कितने आपके पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 letter है, और 8 में से रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है 2 बार, सी रिपीट हो रहा है 2 बार, ई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये बनेगा 8 factorial डिवाइडेड बाई 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, ऑप्शन बन जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 out of 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपको 6-6 के 2 ग्रुप बना दिए। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, एक ग्रुप से वो 4 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मान लो पहला ग्रुप लिया, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जो 12 क्वेश्चन है 2 सेक्शन बना दिए 6-6 के, तो पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें से हमने 4 क्वेश्चन ले लिए, 4 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, तो बाकी के 2 क्वेश्चन हमने यहां से लिए, या हो सकता है कि दोनों में से हमने 3-3 ले लिए, या फिर हो सकता है कि पहले वाले में से हमने 2 ले लिए और दूसरे वाले में से हमने 4 ले लिए। तो 6C4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये भी आएगा 15, 6C3 को सॉल्व करेंगे आएगा 20, ये भी है 20, और ये भी 15 और ये भी 15, तो 225 ये हो गया, ये 400 हो गया और ये 225 हो गया, तो 450 तो ये हो गया और 400 ये हो गया, यानी 850 हो गया, तो ऑप्शन बना हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द रिजल्ट ऑफ 8 matches विन लूज और ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड। अब इस पर हमें प्रेडिक्ट करना है, सट्टा लगाना है, ठीक है, लगाने मत लग जाना सट्टा कहीं सही में। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 correct results। अब या तो आपको देना है कि भाई विन है या लूज है या ड्रॉ है, आपको इनमें से कोई भी आपको वो लगाना है, सट्टा लगाना है, ठीक है, हमने प्रेडिक्ट करना है। तो हमने प्रेडिक्ट करा कि भाई 6 correct results हैं उसमें से, अब 8 match हो रहे हैं तो 8 में से हमारे 6 correct results आ गए, यानी 8C6, बाकी के 2 results गलत आ गए। अब बाकी के 2 results गलत क्या क्या आ सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि भाई 6 जीतेगी 8 में से 6, मैंने कहा कि भाई 8 match हो रहे हैं तो इंडिया जीतेगी, तो 6 तो करेक्ट हो गए, अब बाकी 2 में क्या होगा, या तो वो लॉस होगा या फिर ड्रॉ होगा, यानी 2 ऑप्शन और हो सकते हैं अगर गलत रिजल्ट होगा तो यानी 7वें मैच के लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 8वें के लिए भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो 8C6 को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 और 7, तो यह आ जाएगा 28, तो 28 to the 56, 56 to the 112, ऑप्शन बनेगा हमारा 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यहां पर कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 different beads बी स्टंग ऑन ए नेकलेस। एक नेकलेस में हमें 8 beads लगाने हैं, तो सर्कुलर परमुटेशन बन रही है। अब नेकलेस में एक ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, नेकलेस में अगर आप ऐसे बीड्स लगाते हो या उसको आप पलट लोगे तो भी नेकलेस में बीड्स तो उतने रहने हैं, वैसे ही रहने हैं, तो दोनों तरफ से जो नेकलेस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर तो सर्कुलर परमोटेशन है, तो 8 बीड्स हैं तो ये हो जाएगा 7 factorial। अब क्योंकि उसमें राइट लेफ्ट का कोई पंगा नहीं होता तो डिवाइडेड बाई 2 factorial और कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 हमने काट दिया नीचे से, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5, 4 जा 20, 2 आ गया, 2, 3 जा 6, 6 इज द 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7, 6, 42, 7, 21 और 4, 25, 2, 5, 2, 0, तो ऑप्शन बनेगा हमारा 11 का बी। 12th में क्वेश्चन नंबर 12th में कहता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 7, 5, 6, 0, पहले तो इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे हमें, फैक्टर इसके क्या क्या बन रहे हैं। तो 7, 5, 6, 0, 0 को पहले हमने डिवाइड कर लिया, 2 से कर लेते हैं पहले,
तो ये आ जाएगा 2 3 6 2 7 2 8, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से करते हैं, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, अब 5 से करो, फिर 5 से करो। तो ये आ गया आपके पास फैक्टर, आया 2 इसमें आया 4 बार, 3 आया 3 बार, 5 आया 2 बार, और 1 आ गया इसमें एक, और सॉरी 7 आ गया एक बार। तो जितने भी हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आ गए, अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कंसेप्ट यूज़ मत करना। इसमें जो हम करते थे यहाँ पर मॉडुलस वाले जो चैप्टर था उसमें हमने करा था यहाँ पर कि भाई फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर्स आपको छोटा तरीका बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछा जाए तो आपको सीधा क्या करना है, जो ये पावर है इसमें एक 1 प्लस कर दो, इसके इतने फैक्टर होंगे, 3 प्लस 1, इसके इतने फैक्टर होंगे। अगर ये प्राइम नंबर होता है तो ऐसे ही करना है, और यहाँ पर 2 प्लस 1, और यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 20 थी 60 × 2 = 120, तो नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे इसके 120। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 2 3 4। तो आपके पास यहाँ देख रहे हो कि 2 4 6 6 डिजिट्स हैं, 6 में से आपको जो नंबर बनाना है 4 डिजिट का बनाना है, यानी 6 में से आपको 4 डिजिट चूज करनी है। ऑर्डर यहाँ पर मैटर कर रहा है, कोई नंबर्स आप बनाओगे अलग अलग। अब लेकिन यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है 2 बार और 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे। 6C4 को 6B4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, 6 × 5, यहाँ पर 4 है नीचे तो 4 फैक्टर आप लिख लेंगे, 6 × 5 × 4 × 3, नीचे आ गया आपके पास 2 × 2, ये इससे हो गया कैंसिल, 5 × 3 = 15, 6 = 90, आंसर आ जाएगा 90 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा हमारा नन ऑफ दिस। 14 में कहता था नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट एंड 1 रुपी नोट। तो एक आदमी को वो करना है, कंट्रीब्यूट करना है फंड में, तो एक 10 रुपये का नोट, एक 5 रुपये का नोट, एक 2 रुपये का नोट और एक 1 रुपये का नोट, तो इस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी टोटल मिलाकर उसके पास 4 ऑप्शन है कि वो ऐसे कंट्रीब्यूट करे। अब 4 ऑप्शन में से जरूरी नहीं है कि वो 4 ऑप्शन ही यूज़ करेगा, वो कहेगा कि मैं एक ही तरह का नोट दूंगा तो क्या बनेगा, 4C1, या फिर वो कहेगा कि भाई मैं 2 तरीके के नोट दे दूंगा 4C2, या कहेगा 3 तरीके के दे देता हूँ, या कहेगा 4 तरीके के मैं डोनेट करता हूँ। तो 4C1 सॉल्व करेंगे 4 आएगा, 4C2 सॉल्व करेंगे 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, और सॉरी 4C3 तो 4 आएगा, और 4C4 आ जाएगा 1, तो 4 6 10 10 और 5 15, यानी 15 तरीकों से वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता था नंबर ऑफ वे इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप कंटेनिंग डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर 3 ग्रुप आएगा, कंटेनिंग 2, 3 और 4 थिंग रिस्पेक्टिवली। उसके अंदर 2 एक तरह की चीज़ें हैं, 3 एक तरह की चीज़ें हैं, 4 एक तरह की चीज़ें हैं, तो 9 टोटल हमारे पास है। इसको डिवाइड कर दोगे 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल से और 4 फैक्टोरियल से, तो आ गया 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिख दो। नीचे 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 आ गया, और 4 फैक्टोरियल का मतलब ये आ गया, कैंसिल, 3 × 2 = 6, ये भी कैंसिल, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, 5 × 4 = 20, 2 आ गया, 9 7 = 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1260, ऑप्शन बनेगा इसमें बी। n − 1 pr r × n − 1 pr − 1, ये किसके बराबर है इसमें से, तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है, इसको सॉल्व कर दें, n − 1 factorial / r, n − 1 − r,
एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल ये आ गया, प्लस में आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ये हो गया। एन माइनस वन यहां, एन माइनस वन यहां, इसको आप कॉमन निकाल दो, यहां पर आ गया वन अपॉन एन माइनस वन माइनस आर, इधर से आ गया एन माइनस आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी फैक्टोरियल में है। अब इन दोनों में से, इन दोनों में से ये वाली टर्म बड़ी है, इसको एक्सपेंड कर लो आप, तो ये हो जाएगा n माइनस आर, उसके बाद आएगा n माइनस आर माइनस वन। अब n माइनस आर माइनस वन यहां भी है, यहां भी है, इसको आप बाहर निकाल दो, यहां रह गया वन, यहां रह गया आर अपॉन में n माइनस आर। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा n माइनस आर प्लस में r डिवाइडेड बाय n माइनस आर, इससे ये हो गया कैंसिल। तो अब आपके पास है ये n माइनस वन इंटू में n, नीचे n माइनस आर माइनस वन इंटू में n माइनस आर। अब यहाँ पर ये देखो ये n है, ये फिर उससे एक छोटी वैल्यू n माइनस वन, इन दोनों को इकट्ठा करके n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे ये n माइनस आर है, फिर से एक छोटी टर्म ये हो गई, तो इसको आप n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब इसमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमारे पास एन सी आर का फार्मूला तो ये नहीं होता, n फैक्टोरियल ये एन सी आर का ही फार्मूला है, ये भी नहीं होगा, तो एन पी आर का फार्मूला ये होता है, तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहता है कि जो 2n फैक्टोरियल है उसको आप इसमें से कैसे लिख सकते हो, तो 2n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2n, फिर 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट में 4, 3, 2, 1 तक हमें इसको लेके जाना है। अब इसमें से कोई ऑप्शन हमारे पास इसमें तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है उसको अलग कर देते हैं, 2n, फिर 2n माइनस टू, उसके बाद फिर यहां से 4 और 2, डॉट 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 डालो, 4 और फिर 2, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, और जो ऑड नंबर वाली टर्म्स है 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, 3 और उसके बाद फिर 1, तो ये देखो 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री और 3 1, ये किस में आपके पास है 2n माइनस वन, फिर 5 3 1, ये ऑड नंबर वाली टर्म्स आ गई, ये तो आपके पास ये बन गया। अब जो ये वाला पोर्शन बचा है, क्या ये वाला पोर्शन इसके और इसके बराबर है, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन निकालते हैं, हर एक टर्म में से 2 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर जो टर्म्स है ना मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस नहीं हो रही है, तो यहाँ से भी 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, यहाँ से भी 2, इस तरह से 2 कर कितनी बार निकलेगा, 2 यहाँ पर n बार बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर n, फिर n माइनस वन, लास्ट में आ जाएगा 2 इंटू में 1, इसको आप ऐसे कैसे रहने दो। अब ये बन गया आपके पास n फैक्टोरियल, तो 2n इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में जो ब्रैकेट है ये, तो आपके पास ऑप्शन बनेगा इसका 17 का ए। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें कहता था नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। 300 से बड़े हमें नंबर बताने हैं। अब 300 से बड़े बताने हैं तो या तो वो 3 डिजिट के होंगे, या 4 डिजिट के होंगे, या 5 डिजिट के होंगे, क्योंकि 5 ही डिजिट है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो पहले 3 डिजिट नंबर बनाते हैं हम, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर ग्रेटर देन 300, तो ये क्या क्या बनेंगे। इसमें देखो दो कंडीशन आएंगी आपके पास, दो कंडीशन में क्या आएगी, पहली कंडीशन, फिर एक दूसरी कंडीशन लेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। अब पहली जो कंडीशन है उसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाला प्लेस पर है, क्योंकि इवन नंबर बोला है,
तो इवन नंबर रखने के लिए या तो हमारे पास ऑप्शन टू है या फिर फोर है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ लास्ट वाले प्लेस पर टू रखता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैंने यहाँ पर टू रखना है। अब यहाँ पर मैंने अगर टू रख दिया तो जो पहले वाला नंबर है, क्योंकि ग्रेटर देन 300 लेना है, तो पहले वाले प्लेस पर ना तो वन रख सकते हैं ना टू रख सकते, लेकिन टू हमने ऑलरेडी यहाँ रख दिया है तो टू का तो केस खत्म। यानी यहाँ पर हम वन नहीं रख सकते, यहाँ पर हम तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं या पाँच रख सकते हैं। तो तीन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचते हैं, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, बाकी जो तीन नंबर कोई से भी बचे हों उन तीन नंबर में से आप कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हो। तो ये हो गया 3 × 3 × 1, 9 ऑप्शन ये हो गए। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वाले प्लेस पर मैंने चार रख दिया, तो एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया चार। अब चार तो हम फिक्स कर दिया, अब जो पहला प्लेस आएगा, पहले प्लेस पर आप वन और टू तो रख नहीं सकते, और चार आप ऑलरेडी वहाँ रख चुके हो, तो आपके पास बचा तीन और पाँच। तो उन दो में से कोई भी एक नंबर यहाँ रख सकते हो। बीच में आपके पास तीन ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि एक नंबर यहाँ फिक्स, एक नंबर यहाँ फिक्स, तो 2 × 3 यानी आ गया 6। तो 15 नंबर ऐसे होंगे जो 300 से बड़े होंगे और इवन नंबर भी होंगे। अब हम लेते हैं फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट इवन नंबर ग्रेटर देन 300। अब फोर डिजिट में तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वो नंबर 300 से बड़ा होगा। तो पहले वाले नंबर का जो झंझट है ना वो तो खत्म है, आप कोई भी नंबर रख सकते हो। सिर्फ हम सीधा लास्ट वाले नंबर पे चलते हैं, लास्ट वाला जो प्लेस है उस पर आप दोनों में से कोई भी एक नंबर रख दो, चाहे दो रख दो चाहे चार रख दो। तो दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, रखना एक ही नंबर है लेकिन ऑप्शन तो दो है ना। अब बाकी आपके पास चार नंबर बचे, चार में से कोई भी इधर रख दो, इसमें फिर तीन बचे कोई भी रख दो, बाकी जो दो बचे कोई भी रख दो। तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 48। अब पांच डिजिट के बना दो, पांच डिजिट में भी यहाँ तो आपके पास दो ही रहेंगे, या तो दो रख सकते हो या चार रख सकते हो। फिर इस प्लेस पर चार, इस प्लेस पर तीन, इस प्लेस पर दो और फिर इस प्लेस पर एक, तो ये भी बनेगा 48। तो 48 96 96 प्लस में 15 कितना हो गया 111। तो ऑप्शन आ गया इसमें हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने आपको दिया हुआ है कि भाई पांच लेटर है, पांच लेटर लिखे गए और पांच आपके पास लेटर बॉक्स हैं। द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इन टू द बॉक्स आर इन ईच। तो हर एक में आपको एक एक लेटर डालना है, तो किसी में कोई सा भी डाल दो। तो 5P5 यानी आ जाएगा 5 factorial, 5 factorial होता है 120 के बराबर, तो इसका आंसर आ गया 120। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि NC1, NC2, NC3, NC4, NCN, यानी एक या उससे ज़्यादा का सिलेक्शन आपको करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि एक या उससे ज़्यादा का सिलेक्शन करते हो तो फार्मूला होता है 2^n-1। तो इसका आंसर है ये 2^n-1, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज है ये भी फिनिश हो जाती है, और उसके साथ ही पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।